सबसे पहले हम धन की ही बात करते हैं, व्यापार में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि, इस इनके बारे में, या फिर आपको खुद भी अपने अगर आपकी शॉप है, दुकान है, या अपना घर भी है तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापार में आर्थिक लाभ करने के लिए किसी भी महीने के पहले शुक्रवार में अपने घर के पास स्थित किसी भी मंदिर में 6 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले जाएं। अभिमंत्रित का अर्थ होता है आप खुद खरीद के उसको नॉर्मल पूजा पाठ, जैसे किसी बृहस्पतिवार को उसकी पूजा की या शुक्रवार को पूजा की, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को, शुक्रवार को आपको 6 गोमती चक्र लेना है। जी उसमें उसको एक लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में रख के घर में जी कोई भी, अगर आपका आपके पास कोई भी मंत्र दीक्षा है, वो मंत्र का प्रयोग करके एक माला जाप कर लें, या जी अगर कोई मंत्र नहीं है तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओके फिर शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको सही लगता है वो मंत्र जाप कर लें। उससे गोमती चक्र जो है अभिमंत्रित हो जाता है। उसको एक पोटली बांधकर अपने साथ लेके जाना है, मंदिर में जाना है। मंदिर में जो देवी जी माता का मंदिर हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो शिव शिव जी का मंदिर हो सकता है, या विष्णु अवतार किसी, भाई कृष्ण हो या राम जी का जी मंदिर हो, तो भगवान के चरणों में उसको टच करना है। ठीक है, ओके चरणों सर में टच करके फिर वापस अपने घर में लेके आना। अगर आप खुद ही कर ले तो अच्छा है, नहीं तो वहां पे कोई पंडित जी है तो उनके हाथ में दिला जी दिला दे। साथ में जी आपको जी लेके जाना है चंदन का इत्र और गुलाब का, गुलाब की अगरबत्ती, दो दो, मतलब दो ओके पैकेट गुलाब की अगरबत्ती, 2 पैकेट चंदन का, चंदन के इत्र की शीशी। एक ओके चंदन का सर इत्र वहीं पर अर्पित करना है और एक गुलाब का, जो गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट है, वो पूरा एक साथ आपको जलाना है और माता रानी को दिखाना है। साथ में वहां जितने भी देवी देवता है सबको दिखा ले, जैसे हम नॉर्मल मंदिर में जाकर जी पूजा हाँ करते। जी हाँ जी सर हाँ जी ठीक है, उसके बाद वो गोमती चक्र, एक शीशी जो चंदन का इत्र और गुलाब का, गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट, वो साथ में घर लेके आए, और जी 6 गुलाब के फूल साथ में भी लेके जाने थे। उसमें ठीक है छों सर को माता रानी को अर्पित करें, एक पुष्प वहां से पंडित जी को बोलकर लेके साथ में ले आए। ठीक है, ठीक है हाँ जी अगर अगर ये कर सके पॉसिबली, जब तक ये जो अगरबत्ती वाला है, जो वो उस अगरबत्ती को आपको हर शुक्रवार शुक्रवार जलाना है, जैसे वो खत्म हो जाता है वापस जी सेम चीज आप रिपीट कर सकते हैं पुराने जो गोमती चक्र है उसके साथ ही। ठीक है, ओके सर 1 साल हो जाता है, जब जब सपोज आपने स्टार्ट किया तो 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद उस गोमती चक्र को जल प्रवाहित करना, पानी में बहाना, फिर ओके नया ओके गोमती सर चक्र डाल के फिर से सेम प्रोसेस। ठीक सर अंडरस्टैंड सर।